हेलो गाइस, दिस इज स्वाति और मैंने देखा यू सीज़न 4 पार्ट 2 जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और इसमें आपको 5 एपिसोड्स मिलेंगे। हर एपिसोड की लेंथ लगभग 45 मिनट से 53 मिनट के बीच की है। ये हिंदी में भी अवेलेबल है और डबिंग अच्छी खासी है, जो बोल रहे हैं इंग्लिश में वही हिंदी में भी बोल रहे हैं, क्रॉस चेक करके मैंने देख लिया है। सो अगर आप इस शो की बात करते हैं, देखिए इसका सीज़न 1, 2 और 3 आया। जब 4 का फर्स्ट पार्ट आया तो उसमें उसको हू डनिट में कन्वर्ट कर दिया था, यानी कोई ईट द रिच गाय है जो अमीर लोगों का अमीर लोगों का मर्डर कर रहा है। तो वो चीज़ एक इंटरेस्टिंग टर्न लेती हुई दिख रही थी कहानी। जो बाकी सारी जो सीजन्स आए हैं जिसमें सेम एंडिंग दिखाते हैं वो नहीं यहाँ पर दिखाई है। लेकिन जैसे ही सेकेंड पार्ट आता है और मैं इसको देखती हूँ, उसकी एंडिंग तक पहुँचती हूँ और फिर मुझे लगता है कि नहीं, ये सीरीज़ है पूरी एक सीज़न दर सीज़न एक लिम्बो में फंसी हुई है और हर बार ये सेम एंडिंग देते हैं। चाहे आप किसी भी पाथ पे चलते हैं या कोई भी पॉसिबिलिटी को अडॉप्ट करते हैं, हमेशा एंडिंग होती है कि जो भैया एस्केप कर जाते हैं, जो भैया एक बढ़िया फैबुलस लाइफ मिल जाती है, और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही अल्ट्रा रिच होने वाले हैं वो, और वो मस्त ज़िंदगी जीते हैं। बाकी आसपास के लोग उनके जाए भाड़ में। और इस बार भी जो भैया ने 2 लोगों को फंसा रखा है जो बिल्कुल इनोसेंट हैं, मैं भी बात करूँगी उनके बारे में आगे। तो अगर बात करते हैं कहानी की, तो मैं इसको 3 सेक्शन में डिवाइड करूँगी। पहला जो पार्ट 1 था उसकी एंडिंग इस तरीके से रैपअप हुई है। तो पार्ट 1 में एक वही किलर गाय दिखाया था जो ईट द रिच पैटर्न पे काम कर रहा था। अब उसके लिए लोग समझ रहे थे कि जो मर्डरर है, यानी जोनाथन जो है इसमें मोर नाम से रह रहे हैं, वो मर्डरर हैं। लेकिन उनको लगता है कि रीज नाम का एक आदमी जो वही आथर है जो मेयर के इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है, वो मर्डरर है, ठीक है। और उसने जो से कहा है कि तुमको ये जो सारे मर्डर है किसी और पे प्लांट करने हैं। और जो भैया इस बार बड़ी ही इनोसेंट लेडी होती है, एक मीनिया होता है एक तरीके से उसको, जो किसी से फैसिनेटेड हो जाते हैं लोग, सेलिब्रिटीज से स्पेशली फैसिनेट होते हैं। तो यहाँ पर जो लेडी फीबी है उसे एक वेट्रेस है वो फैसिनेटेड है, और वो उसको ऐसा लगता है कि लेडी फीबी उसका उसके घर का पार्ट है, उसको बहुत अच्छे से जानती है। दोनों में मतलब 2-वे रिलेशनशिप है, जबकि जनरली फैन और सेलिब्रिटी में 1-वे रिलेशनशिप होता है। लेकिन उसको एक बीमारी की वजह से ऐसा लगता है कि दोनों बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, तो वो ओवर प्रोटेक्टिव है लेडी फीबी को लेकर और किडनैप कर लेती है। उसका इतना ही क्राइम होता है। लेकिन जो भैया उसको जितने भी मर्डर उन्होंने अभी तक कर रखे हैं, जो उन्हें लगता है रीज ने की हैं, उसके चार्जेस में फंसा देते हैं। तो ये एक इनोसेंट पर्सन जिसकी बस इतनी गलती है कि वो मैनियक है, उसे फंसा दिया जाता है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। तो एंडिंग हो जाती है हु डन इट की इस तरीके से, वो बेचारी लेडी वेट्रेस चली जाती है। अब यहाँ पर सेकेंड पार्ट आता है। सेकेंड पार्ट में जो भैया को रेवलेशन होते हैं कि वो जब रीज को मार देते हैं तब भी उनके सामने रीज खड़ा होता है, और फिर फाइनली उनको समझ में आता है वही रेवलेशंस की नहीं, ये जो सारी चीज़ें मैं कर रहा था, ये रीज के लिए समझ रहा था, वो मैं कर रहा था, मेरी ही ये अल्टरनेटिव ईगो है। जो आपको फाइट क्लब मूवी डेविड फिंचर की याद दिलाएगी, जिसमें एडवर्ड नॉर्टन की पर्सनालिटी थी टाइलर डर्डन, और उसको कुछ भी नहीं पता था जो भी टाइलर डर्डन करता था। वो बड़ी एग्रेसिव पर्सनालिटी थी, फाइट क्लब में जाती थी ऑब्वियस बात है रात में, बहुत ही तोड़ फोड़ करती थी, और उसको मारने के लिए सुसाइड करना पड़ा था। उसका जो एंगर था वो उस पर्सनालिटी में पूरा उसने फिल कर दिया था, उसके थ्रू एक्सप्रेस करता था, और जो रात में करता था जाके उसको मॉर्निंग में कुछ याद नहीं रहता था। एग्जैक्टली यहाँ पर भी जो इनकी दूसरी रीज के फॉर्म में ये पर्सनालिटी देख रहे हैं, ये उनकी वो पर्सनालिटी जो ओवर प्रोटेक्टिव है, जो सारे सिनिस्टर काम करती चलती है, वो आवाज़ जो आप शुरू से देखते आ रहे हैं ना सीजन 1 से, वो यहाँ पर आपको दर्शन दे देगी, यानी आपको रीज के फॉर्म में देखेगी, और इनके लिए बहुत प्रोटेक्टिव है, इनको बचाना चाहती है। देन अगेन अब उससे पीछा छुड़ाने के लिए, जिस तरीके से वहाँ पर सप्रेस करने के लिए दूसरी पर्सनालिटी को एडवर्ड नॉर्टन को सुसाइड करना पड़ा था, यहाँ पर भी ये सुसाइड करते हैं। लेकिन इनकी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इनसे लिंगर ऑन कर जाती है वहाँ पर, तो वो ख़त्म हो जाती थी, उनका जॉ किसी तरीके से डैमेज हो जाता था और फिर हट जाती थी वो पर्सनालिटी। यहाँ पर नहीं ऐसा होता है। ये हो गया सेकेंड पार्ट, जो पूरा फाइट क्लब से कट कॉपी पेस्ट किया गया है एग्जैक्टली। देन थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट मुझे लिम्बो की तरह लगा है, फिर जैसे मैं बताती हूँ, बिल्कुल हर सीज़न की तरह ही वैसे ये एंडिंग करी गई है, जिसमें अपनी स्टूडेंट जो थी उसको फंसाकर ये जोनाथन मोर निकल जाते हैं, और वो बहुत इंटेलिजेंट होती है लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही है, पता नहीं क्यों, और शायद वो आगे सीजन 5 में आए इनसे बदला लेने के लिए, उसके लिए ओपन एंडिंग छोड़ रखी है। और ये मस्त अपनी केट गर्लफ्रेंड, जिसको ये सब कुछ कन्फेस करते हैं, ऐसा कहा गया है, मुझे नहीं लगता है कि सारी चीज़ें बताई होंगी, और केट भी बताती है कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, और उनके फादर को मारने के बाद वहाँ पर भी उसके गार्ड को प्लांट कर देते हैं, और उसके साथ आराम से अमीरों वाली
ज़िंदगी बिताने के लिए आ गए हैं। जैसे हर सीज़न में होता है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, बस जो आराम की ज़िंदगी बिताएंगे। और एक और चीज़ मुझे बहुत ऑकवर्ड लगी थी, जो ये ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर बनकर आए थे, मतलब मजाक चल रहा है आप लिटरेचर के प्रोफेसर बन जाएंगे, एम ए बन जाएंगे, तो ऐसे नहीं होता है। मैं बहुत सारी मूवीज़ देखने के बाद, ऐसे नहीं है कि कल को जाके मूवी डायरेक्ट करने लगूंगी, उसके लिए कुछ एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। इसीलिए अगर आपको इंग्लिश आती है या आप इंग्लिश जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके बस प्रोफेसर बन जाएंगे, वो भी ऑक्सफोर्ड में। सो दैट वाज माय टेक ऑन पार्ट टू। मुझे बहुत ज़्यादा फॉल्टी लगा है, बहुत इलॉजिकल चीज़ें भी हो रही हैं, आप खुद ही देखेंगे बहुत सारी इलॉजिकल चीज़ें हो रही हैं। सो मुझे सेकेंड पार्ट बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है। हाँ, थ्रिल था अगर आप अपना दिमाग बंद कर बिल्कुल देखेंगे, जो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता है करना। दैट्स इट, बाय।